हेलो दोस्तों, आज मेरे पास अनबॉक्सिंग में निकले स्मार्ट वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर है जो बेसिकली एकाई की ब्रांडिंग के साथ आता है। तो मैं इसी की अनबॉक्सिंग में करने वाला हूँ। प्राइसिंग और फीचर वगैरह बताऊंगा ये बताऊंगा कि इस प्राइस में इस स्मार्ट वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर को आपको परचेजिंग में करना चाहिए कि नहीं। वैसे स्पीकर की बात करो तो काफी स्मार्ट और काफी पावरफुल स्पीकर है, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले फटाफट मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में बेल आइकन होगा उसे अवेलेबल कर दीजिए ताकि ऐसे कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है उसे अपने फोन पे सबसे पहले देख पाए। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बॉक्स पैकिंग की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे एकाई की ब्रांडिंग की गई, एकाई टोक्यो जापान की ब्रांडिंग में रखी गई। यहाँ पे आपको स्पीकर का इमेजेस वगैरह दिया गया है। यहाँ पे आपको मॉडल नंबर है ट्रॉप बॉक्स TB050, इसके बेसिकली मॉडल नंबर है तो हमें मेंशन वगैरह किया गया। इधर की बात करो तो मेन हाईलाइट फीचर्स वगैरह दिया गया जिसमें IPX सर्टिफाइड वगैरह हो गया और TWS सपोर्ट वगैरह करता है, तो इन सब की ब्रांडिंग वगैरह की गई और बहुत सारे फीचर्स भर भर के दिए गए, तो उन सब की ब्रांडिंग वगैरह की गई। बॉक्स पैकिंग की बात करो तो बॉक्स पैकिंग देखने में जैसे नॉर्मल लग रही है, रेड और वाइट कलर की बॉक्स पैकिंग है, थोड़ा ग्रे का टेक्सचर वगैरह दिया गया तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। स्पीकर की बात करो तो स्पीकर भी देखने में इमेजेस के हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो इमेजेस दिया गया तो फटाफट इसको देर न करते हुए यहाँ पे ओपन वगैरह करते हैं, फिर सारे फीचर्स वगैरह आपको रीड करके मैं बताने वाला हूँ कि कौन से फीचर्स कितने अच्छे से वर्क वगैरह करते हैं या नहीं। चलिए फिर ओपन करते हैं इसको फटाफट, देख सकते हैं सिंपली ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म रखा गया प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये दोस्तों रखा गया 3.35 mm ऑक्स केबल दिया गया जिससे आप इसको एज ए वायरलेस स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस तो यूज़ कर ही सकते हैं। और ये दोस्तों USB 2 माइक्रो USB केबल है जिससे इस स्पीकर को चार्ज वगैरह कर सकते हैं। इसको पन्नी में रखा हुआ तो निकालते हैं। ये हमारा वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर जिसको थोड़ा साइड में रखते हैं, और भी कुछ दिया गया यहाँ पे। तो ये दोस्तों बेसिकली यूजर मैनुअल है यहाँ पे जो काफ़ी बड़ी सी दी गई। यहाँ पे आपको TB050 की मॉडल नंबर की ब्रांडिंग की गई, तो इसको साइड में रखते हैं इन सबको, फिर बात करते हैं हम अपने वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर के बारे में। चलिए फिर दोस्तों ये है स्मॉल पावरफुल वायरलेस पोर्टेबल स्पीकर जिसके सबसे पहले कलर और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कलर तो आप देख पा रहेंगे ब्लैक और मिलिट्री ग्रे कलर होता है वैसे रखा गया, कन्फर्म नाम तो नहीं पता लेकिन शायद मिलिट्री ग्रे ही बोलते जैसे रखा गया। ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन है तो काफ़ी देखने में कलर कॉम्बिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं रही, ऑसम किस्म का कलर कॉम्बिनेशन वगैरह रखा गया जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। पर्सनली बताऊँ तो बिल्ड क्वालिटी बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी A to Z प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि प्लास्टिक की मजबूती की बात करूँ तो भर भर के मजबूती दी गई, जहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्क्रू दिए गए तो मजबूती में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मिलिट्री सर्टिफाइड प्रोडक्ट वगैरह होता है कुछ वैसे ही रखा गया, लेकिन मिलिट्री सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं है लेकिन डिजाइन उसी तरीके से किया गया, जो डिजाइन भी काफ़ी स्मॉल है और काफ़ी अच्छा से रखा गया, जो रगेड टाइप का स्पीकर होता है बिल्कुल वैसा रखा गया, तो मजबूती बिल्कुल डे में आपको कोई भी इस स्पीकर में प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाली। जहाँ पे आपको इधर अकाकाई की ब्रांडिंग वगैरह की गई, इधर भी की गई, दोनों तरह बेस का ऑप्शन मिल जाता है और नीचे पैडिंग के लिए दिया गया तो अच्छे से पैडिंग वगैरह कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको 5 वाट का वाट वाला आउटपुट स्पीकर दिया गया तो यहाँ से आउटपुट स्पीकर का मजा वगैरह ले पाएंगे। और इधर स्ट्रैप दिया गया तो इसे कैरी भी आसानी से कर पाएंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड सारे पोर्ट्स वगैरह दिए गए, जहाँ पे पोर्ट्स की बात करूँ तो माइक्रो USB पोर्ट दिया गया, उसके बगैर इंडिकेटर लाइट दिया गया तो इसे चार्ज वगैरह कर सकते हैं। पेन ड्राइव का ऑप्शन दिया, अगर पेन ड्राइव नहीं है तो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया गया जो 32 GB सपोर्ट करता है, तो मेमोरी कार्ड लगा के गाने सुन सकते हैं। ऑक्स केबल का भी ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। अगर ये सब भी नहीं है तो घबराइए मत, बिल्ट इन FM है तो FM भी चलाकर इसमें गाने वगैरह सुन सकते हैं, तो आपको एंटरटेनमेंट में फुल सपोर्ट मिलने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इधर की बात करूँ तो इधर पोर्ट वगैरह दिया गया, जहाँ पे आपको सबसे पहले पावर और बटन है बीच में जिसे ऑन ऑफ कर पाएंगे, माइनस प्लस बटन है आगे पीछे जिसे गाने पीछे आगे पीछे कर सकते हैं, उसके लिए पॉज प्ले बटन है जिससे कॉलिंग वगैरह ले सकते हैं, और ये बेसिकली मोड बटन है जिससे मेल बिल्ट इन FM तो उसको फंक्शनल वगैरह कर सकते हैं, और TWS भी सपोर्ट करता है तो यहीं से कंट्रोल वगैरह A to Z इसको कर सकते हैं। अब इसके दोस्तों फीचर्स वगैरह बात करूँ तो फीचर्स में सबसे पहले बात करूँ तो IPX सर्टिफाइड है बेसिकली दोस्तों, IPX6 सर्टिफाइड स्पीकर है तो उसमें आपको वाटर प्रूफ स्पीकर मिल जाता तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, पानी में रख के छोड़ दीजिए कहीं भी रख के छोड़ दीजिए कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन कंफर्म करना है कि ये सील जो है 100% लॉक होनी चाहिए तभी आपको IPX सर्टिफाइड वगैरह क्लेम वगैरह कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब इसके दोस्तों बैटरी की बात करूँ तो बैटरी एक बार चार्ज करने में आपको 1 से 1.5 घंटे लगने वाला है, लेकिन एक बार चार्ज कर लें तो बैटरी बैकअप की बात करूँ तो बैटरी बताई गई 500 mAh की बैटरी है जिसमें आपको 3 से 4 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बैटरी बैकअप में आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ वगैरह करना पड़ सकता है, यहाँ पे आपको थोड़ी कंप्रोमाइज़ करने पड़ेगा। अब इसके दोस्तों कनेक्टिविटी बात करो, कनेक्टिविटी में V2 5.0 का सपोर्ट देगा, इसमें आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, 10 मीटर रेंज मिल जाएगा,
फास्ट पैरिंग वगैरह मिल जाती है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अच्छे से गाने वगैरह सुन सकते हैं 5 वोट के वॉट के साथ, आउटपुट में अच्छे से साउंड का मजा वगैरह ले पाएंगे। अब इसके साउंड क्वालिटी वगैरह बात करते हो, साउंड क्वालिटी दोस्तों 5 वॉट आउटपुट में बताऊँ तो काफ़ी अच्छा बेस वगैरह रखा गया, साउंड की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी कमाल की, बेस में आपको कोई भी कंप्रोमाइज करने को देखने को नहीं मिलेगा, तो गाने के अच्छे से मजा ले पाएंगे, कोई भी आपको उसमें प्रॉब्लम आने वाली आपको है नहीं। चलिए फिर दोस्तों साउंड क्वालिटी की बात कर ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको गाने वगैरह सुनाता हूँ, फिर आप भी थोड़ा अपने अंदाज वगैरह लगा पाएंगे। देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना हो चांदनी जब तक रात। साउंड क्वालिटी वगैरह तो दोस्तों मैंने सुना दिया, ऑक्स वगैरह लगा कर सुनते हैं, अगर घर में रहते हैं तो आपको साउंड वगैरह में क्वालिटी वगैरह अच्छा मिल पाएगा, साउंड क्वालिटी FM का है तो उतना आपको इम्प्रूव नहीं मिलेगा, अगर आप वायरलेस वगैरह लगा कर सुनते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी बेस वगैरह मिल जाते हैं, आउटडोर वगैरह में जाकर गाने सुनेंगे तो इसकी FM की भी क्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाने वाली, तो बेस वगैरह में आपको और साउंड क्वालिटी में कोई भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगी, कमाल का बेस वगैरह दिया गया, और साउंड की क्वालिटी भी प्राइजिंग के हिसाब से बात करूँ तो अच्छी दी गई, बेसिकली 900 रुपये के आसपास इसकी प्राइजिंग है, 900 रुपये में 5 वॉट के बहुत सारे स्पीकर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इतने अच्छे डिजाइन वगैरह के साथ और मजबूती के साथ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बताऊँ प्राइजिंग वगैरह थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे बताया बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी कमाल की, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइजिंग जस्टिफाई करता है, इस प्राइजिंग में आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, साउंड क्वालिटी में तो मेरे हिसाब से इस प्राइज में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई, क्वालिटी अच्छे वगैरह मिल जाते देखने को, तो परचेज वगैरह करना चाहेंगे तो अमेजोन पर लिस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, 1 ईयर की वारंटी वगैरह मिल जाती है, परचेज वगैरह कर पाएंगे, और ये मैंने बहुत सारे वायरलेस स्पीकर की अनबॉक्सिंग की है जो कुछ कम प्राइस भी है ज़्यादा प्राइस भी है, उस सबका लिंक दे दूंगा, उन सबका देखना चाहेंगे तो देखने में इंटरेस्टिंग होता है देख सकते हैं, तो इसका तो आपको 200-300% लिंक मिल जाएगा, आप परचेज देखना चाहेंगे तो इसको परचेज करना चाहेंगे तो इसको 100% परचेज वगैरह कर पाएंगे, और दोस्तों मेरे चैनल पर 2 ईयरबड का गिव अवे वगैरह चल रहा है तो उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पार्टिसिपेट करेंगे तो जाकर आपको चांसेस वगैरह ईयरबड जीतने का चांसेस हो जाएगा। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, फीचर्स वगैरह आपको समझा पाऊंगा, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी बेल आइकन को उसे भी अनेबल कर दीजिए ताकि ऐसी कुछ कमाल की अनबॉक्सिंग वीडियो आती रहती है उसे अपने फोन पे सबसे पहले देख सके, आपने कर रखा तो प्लीज दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको बोले सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वीडियो देख सके, और भी किसी चीज के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस पर उम्मीद कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी सबसे पहले आपके लिए उसके लिए वीडियो ला पाऊँ, तो चलिए फिर दोस्तों आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।